देखो बाबा साहब अम्बेडकर के साहब के सपने बिल्कुल पूरे हो रहे हैं और वो पूरे सपने करने के लिए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो मानव काशीराम साहब के बनाए और उनके बनाए घरौंदे बहुजन समाज पार्टी से इस पूरे देश में आंदोलन तौर पर उनके सपनों को पूरा करने काम कर रही हैं। हम जैसे नौजवानों को मौका देकर इस पूरे कारवां को आगे बढ़ाने काम कर रही हैं। जिस नौजवानों की बात पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो आज तमाम लोग आपको सूट बूट टाई वाई वाले लोग आपको पढ़े हुए लिखे लोग आपको बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमको उन युवाओं की जरूरत है जो इस कारवां को लेके चल सकें। ये 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा में भाषण कहा था। तो आज बहुत सारे हमारे जैसे युवा, लाखों युवा, करोड़ों युवा इस देश में अम्बेडकरवादी मूवमेंट को लेके बाबा साहब के आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो आप कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को पूरा करने के लिए तमाम युवा आज देश में जागृत हो रखा है। जो तमाम टुकड़ों में बटे हुए लोग भी बहुजन समाज पार्टी के पास दोबारा से आ रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हम सभी युवाओं का भविष्य निर्धारित कर सकती है और सुरक्षित कर सकती है। और इसके मानक आपने देखे होंगे, उत्तर प्रदेश में जब हमारी 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी, तो ये सब उन्हीं का ही तो देन है। इसको कोई कॉपी नहीं कर पाया, इसको कोई दोहरा नहीं पाया। इसका आपके नेता की सोच इस देश के महापुरुषों की विचारधारा की सोच थी जिसको बाबा साहब अम्बेडकर पूरा करना चाहते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद मानव काशीराम साहब और माननीय बहन जी ने इस पूरे उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में, आप सभी को जागृत करने का काम किया। सत्ता, शासक और हुक्मरान की क्या ताकत होती है उसको बताने का काम किया। और उसी पदचिन्हों में चलते हुए 2022 में 5वीं बार परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये पूरे देश को विश्वास है, मीडिया को विश्वास है। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना के बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बता दिया कि इस देश में दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित समाज की आवाज़ इस किताब में निहित है। और इन सभी में प्रमुख थी बाबा साहब अम्बेडकर दिया हुआ लोकतंत्र में वोट का अधिकार। तो बाबा साहब अम्बेडकर की ये पीड़ा तो उनके साथ चली गई कि अगर वो और 10 साल जीवित रहते तो उसी समय बहुजन समाज इस देश के हुक्मरान बने होते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की इन तमाम बातों को परम पूज्य महानायक महामानव मानव काशीराम साहब ने समझा। और आपने देखा होगा उनके साथ परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। इससे पहले तमाम 1978 साहब के जो सपने थे क्या वो पूरे हो रहे हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबके लिए काम किया, महिलाओं के लिए जो देश की आधी आबादी है उनके लिए काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और जो अपर बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए काम किया, सवर्ण के लिए काम किया, ब्राह्मण के लिए काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सबकी हिस्सेदारी है। आप देखिए 49.5% तो रिजर्वेशन है, बाकी 50.5 तो जनरल लोगों के लिए है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो जो बड़ी संख्या थी उसको तो बहुत अभी कम हिस्सेदारी में आए हैं। बाबा साहब की सोच तो ये है कि जो मानव काशीराम जी कहते थे 85 और 15 का फार्मूला भी बने, 15% उन लोगों को मिल जाए जो 15% है, 85% हमें मिल जाए। उसी की तर्ज पर बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को आगे बढ़ाते हुए इस पार्टी का जो मूवमेंट है बहुजन समाज पार्टी का वो आगे चल रहा है। आप उसको निस्संदेह हम लोग विश्वास करें, खासकर बहुजन मीडिया जो हमारा लगा हुआ है उसको और ईमानदारी और विश्वास साथ अपने नेता विश्वास करना होगा, अपने लोगों में विश्वास करना होगा, और तब ये कारवां आगे बढ़ेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर को आप जो बता रहे संविधान, इस देश में इस देश के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जो बनवादी लोग हैं उन्होंने उनके कभी उंगली तोड़ी, कभी हाथ तोड़ा, कभी गर्दन तोड़ी, ठीक है। लेकिन एक जो इस देश का आपका पूना पैक्ट का दुश्मन था जो लाठी लेके तमाम जगह खड़ा हो जाता है, उसकी किसी ने लाठी नहीं छीन के भागा कोई। तो आप सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से लोग इसलिए दहशत खाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा मानवतावादी विचारधारा थी, लोगों को जोड़ने की विचारधारा थी। दूसरा आपने देखो इस देश ने तो बाबा साहब को अपमानित करने का कोई एक भी दिन नहीं छोड़ते हैं, लेकिन विश्व की तमाम विश्वविद्यालय, खासकर जहाँ से बाबा साहब पढ़ के आए थे, उन लोगों ने खोज की कि इस दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति कौन है। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर मोहर लगाई गई कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति अगर कोई है डॉक्टर अम्बेडकर हैं। तो वो लोग कांच की मूर्ति लगा रहे हैं, वो लोग तमाम तरह के स्लोगन्स लिख रहे हैं अपने यूनिवर्सिटीज के बाहर कि मेरे कोलंबिया यूनिवर्सिटीज का सबसे मेधावी छात्र कौन है, डॉक्टर अम्बेडकर, और अपने यहाँ उंगली तोड़ी जा रही है। तो सोचिए इन लोगों के मन में, दिमाग में जाति भरी है। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के समतामूलक समाज की तरफ हम लोग नहीं अग्रसर होंगे तब तक इसी तरह लोग अपमानित होते रहेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा हम लोगों के अंदर घुस गई है तो हमें लगता है हम दूसरे लोगों को परिवर्तित कर लेंगे। देखिए जो लोग ताकतों में बदलना चाहती है उस ताकतों को तो आप लोगों सत्ता
बैठा दिया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के खिलाफ जो काम कर रहे हैं वो लोग तो सत्ता में, केंद्र और राज्यों में, और आप उन्हीं से कहते हैं कि अब आपकी भलाई करें, तो आप उन्होंने आपको भलाई दे दी, SC ST आयोग को उन्होंने कमजोर करके, आपके तमाम संवैधानिक अधिकारों को खत्म करके, आपके रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट को आप निजीकरण करके, उन्होंने तो आपके सब हर तरह से आपके अहित करना शुरू कर दिया। अब आपको सोचना है, जो नेता, जो पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है, वो आपके हक की बात करती थी। उसने जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई तो नोएडा से लेकर बलिया तक आप चौमुखा विकास देखोगे, एक्सप्रेसवे, आपका बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, तमाम 5,549 स्कूल्स, तमाम तरह की सुविधाएं इस देश को जो इस विकास के लिए उत्तर प्रदेश की हो सकती थी, वो बहन जी के मानक हैं, जो आज तमाम लोग आज फीता काट रहे हैं, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे पीछे सपा से गुंडा माफिया की सरकार हो, इन लोगों ने बहन जी काम किए कामों को सिर्फ फीते काटे हैं या उनके द्वारा जाके रिनोवेशन पे जाके उन्होंने काम किया है। चुनाव आने वाले, क्या संदेश देना चाहोगे? तो चुनाव, चुनाव 5 राज्यों में चुनाव है। आप देखो तेलंगाना में हमारा कितनी बहुत ताकत से बहुजन समाज पार्टी का कारवा चला है, पंजाब में लोग घुटनों पर लाके हमारे नेता के सामने कहते हैं हमसे गठबंधन कर लो, और वहाँ पर हमारी ताकत आपको एहसास हो चुका है। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी हम लोग दोबारा से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसका सगुफटा दिल्ली में भी MCD चुनाव में आपको बड़ी ताकत से दिखाई देने लगा कि दिल्ली में जो युवा हैं, जो आम लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो दोबारा से बहुजन समाज पार्टी के लिए MCD चुनाव 2022 में तैयारी करके बैठे हुए हैं। खत्म होगी BSP? मीडिया तो अभी भी कह रही है, मीडिया का तो काम ही है, मीडिया तो आपकी है नहीं, मीडिया तो आपको जो मानोर काशीराम साहब लड़ रहे थे तब भी नहीं थी, जब बाबा साहब काम कर रहे थे तभी तो उन्होंने अपने अपने चैनल बनाए, आज आप लोग आ गए हो, उन्होंने मूक नायक बनाया, बाबा साहब ने मूक नायक बनाया, तो काशीराम साहब ने बहुजन संगठन बनाया, तो आज आप लोग आ गए हो, तो आप लोग बात क्यों नहीं करते? वो तो बात पहले नहीं करते थे। समाज को गुमराह कर रहा है, तो मीडिया तो शुरू से गुमराह करता रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है बहुजन मीडिया की कि वो बहुजन समाज पार्टी की बात लोगों तक बताए, क्योंकि आप लोग जमीनी कार्यकर्ता हो, जमीनी मतलब समर्थक भी हो और इस विचारधारा से जुड़े हुए भी हो, तो अपनी बात बताओ ना कि इस नेता ने आपका कितना बड़ा किला स्थापित कर दिया जो हजारों सालों तक जीवित रहेगा। सपा के कई लोग दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि BSP जो है वो BJP से गठबंधन कर रही है। देखिए, ये सब जो राजनीतिक जो भाषणबाजी होती है वो वही लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। हमारी नेता तो किसी से नहीं बोल रही, हमारे नेता साफ साफ कह रही है हमारा जनता से गठबंधन है। इस बार उत्तर प्रदेश के जो 25 करोड़ लोग हैं उनसे हमारा गठबंधन है, हम उसी व्याप पर जाएंगे जो हमने काम करके दिए थे, वो लोग धर्म और जाति के व्याप पर जा रहे हैं। तो सोच लिए कौन कमजोर है, कौन मजबूत है। हम तो संवैधानिक तौर पर मजबूत हैं, वोट के तौर पर हम मजबूत हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट हमारा है, तो सीधी सी बात है उत्तर प्रदेश में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो मजबूत होता है वो अकेला खड़ा होता है, जो बटा होता है, जो कमजोर होता है, तो आप तमाम लोगों के साथ संगठन गठबंधन करने का जो सगोफा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो लोग कमजोर लोग हैं। तो जनता को भी समझ जाना चाहिए कि आपकी नेता मजबूत है, बहन जी मजबूत हैं, और इस बार 5वीं बार भी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं।